ओम नमो नारायण। देव शक्ति हीलिंग हब से मैं रुद्राभी सिंह आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। नमस्ते दर्शक मित्रों, नवरात्र का पावन समय चल रहा है। आज नवरात्र का चौथा दिन माता कुष्मांडा देवी की पूजा है। जैसे कि गत तीन दिनों से नवरात्र का प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की आराधना में हमारा बॉडी चक्र में जो एनर्जी मूलाधार पर स्थित थी, वो ब्रह्मचारिणी में आकर के स्वाधिष्ठान पर आकर के खुला, और स्वाधिष्ठान के खुलने के बाद तीसरा दिन माता चंद्रघंटा जो कि मणिपुर चक्र से होते हुए आज नवरात्र का चौथा दिन जो माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना है, इसमें हमारी कुंडली की ऊर्जा जो होती है वो अनहत नाद में होती है, अनाहत चक्र में होती है। इसलिए कहा जाता है कि कुष्मांडा देवी की आराधना, कुष्मांडा देवी की पूजा अर्चना बहुत ही अपने आप में रहस्यमयी होता है और बहुत ही प्रचंड होता है। आइए थोड़ा सा हम कहानी के माध्यम से जानेंगे कि आखिर में कुष्मांडा देवी की यह स्वरूप की महिमा क्या है। दर्शक मित्रों, जैसे कि पता था कि आदि शक्ति सती के मृत्यु के पश्चात महाकाली ने जब माता शैलपुत्री के रूप में पर्वतराज हिमावन महारानी मैनावती के घर जब जन्म लिया, उसके पश्चात जब वो ब्रह्मचारिणी स्वरूप में महादेव को तप करके उन्होंने पाया, फिर कुष्मांडा स्वरूप में माता आदिशक्ति चंद्रघंटे स्वरूप में महादेव की शादी होती है माता महाकाली से। उसके बाद चौथा दिन यानी कि कुष्मांडा देवी की आराधना। कुष्मांडा नाम क्या है? नाम के अर्थों से हम समझते हैं कुष्मांडा कु, उष्म और अंड, यानी कि ये तीन शब्दों से मिल करके बना है। कु मतलब होता है छोटा, उष्ण मतलब ऊर्जा, और अंड का मतलब बीज, अर्थात ऊर्जा का वो छोटा बीज, ऊर्जा का वो छोटा कण जो सहस्त्र कोटि सूर्य से भी ज़्यादा तेजस्वी हो। कहा जाता है कुष्मांडा देवी ब्रह्मांड की रचना करने वाली होती हैं। प्राचीन कालों की कथाओं के आधार पर कहा जाता है कि जब सृष्टि में कुछ भी नहीं था तो उस समय कुष्मांडा स्वरूप में ही आदिशक्ति ने सृष्टि का संरचना किया, और उसके पश्चात ही आगे से चला जा रहा है। तो जब माता पार्वती अपनी पूरी यादाश्त यानी कि अपनी पूरी स्मरण को जब वो भूल चुकी थी, तो नवरात्र के पावन कथा यानी कि नव दुर्गा के पावन कथा के माध्यम से वो शैलपुत्री में जब वो शैलपुत्री की कथा जब सुनती हैं तो उस समय वो विचलित हो जाती हैं। जैसे ब्रह्मचारिणी स्वरूप की कथा होती है, उनका स्वाधिष्ठान चक्र जागृत होता है तो उनके अंदर स्थिरता आती है। फिर माता कुष्मांडा की ये प्रेम रूपी कहानी सुन करके वो और भी उद्विग्न होती हैं, उनकी जिज्ञासा बढ़ती है कि आगे की कथा क्या है। तो उसके बाद हम कुष्मांडा देवी के स्वरूप में आते हैं। दर्शक मित्रों, मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूँगा, यह नवरात्र का पावन नौ दिनों का पर्व, ये नौ दिनों का पर्व केवल नौ दिनों का पर्व नहीं है, ये नवरात्र की वो गाथा है जो महाकाल और महाकाली की प्रेम की असीम गाथा है। यह गाथा वो गाथा है जो एक आदिशक्ति जब मानव गर्भ यानी कि मानव योनि से जब उन्होंने जन्म लिया, मानव जन्म से देवी तक की यात्रा में जो उनके समक्ष जो विभिन्न पड़ाव आए हैं, उस पड़ाव की यह गाथा है। यह गाथा हमारी और आपकी गाथा है, जिसमें कि हमें संकेत मिल रहा है कि इस साधना और इस प्रकार से हम अपने गंतव्य तक पहुँच सकते हैं, अपने आप को प्रभु कृपा, अपने आप को दैवीय कृपा प्राप्त करने योग्य हम लोग स्वयं को बना सकते हैं। तो नवरात्र का चौथा दिन जो कि माता
कुष्मांडा की आराधना हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे, और इनकी पूजा अर्चना करते समय इनका ध्यान मंत्र से हम लोग इनका ध्यान करेंगे, और साथ ही साथ हम माता कुष्मांडा के कुछ जप मंत्र करेंगे। कहा जाता है आयु यश बल एवं ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी का ध्यान मंत्र के बाद बीज मंत्र की जप अवश्य करें। तो आइए माता कुष्मांडा देवी की हम लोग ध्यान मंत्र से ध्यान करते हैं। सुरा संपूर्ण कलशम रुधिरा प्लुतमेव च दधाना हस्त पद्माभ्याम कुष्मांडा शुभ दास्तुमेव। सुरा संपूर्ण कलशम रुधिरा प्लुतमेव च दधाना हस्त पद्माभ्याम कुष्मांडा शुभ दास्तुमेव। सुरा संपूर्ण कलशम रुधिरा प्लुतमेव च दधाना हस्त पद्माभ्याम कुष्मांडा शुभ दास्तुमेव। सुरा संपूर्ण कलशम रुधिरा प्लुतमेव च दधाना हस्त पद्माभ्याम कुष्मांडा शुभ दास्तुमेव। सुरा संपूर्ण कलशम रुधिरा प्लुतमेव च दधाना हस्त पद्माभ्याम कुष्मांडा शुभ दास्तुमेव। जब हम माता कुष्मांडा के स्वरूप की ध्यान करते हुए इस मंत्र के उच्चारण करते हुए हम लोग माता को भोग लगाएंगे। माता को पकवान बहुत ही प्यारे हैं और पकवान उनको अत्यंत प्रिय है, तो हम लोग आज के भांति भी आज के हर दिन के भांति आज भी हम नए पुष्प की माला माता को अर्पण करेंगे, नए पुष्प की माला अर्पण करेंगे, नए सुगंध माता को भेंट करेंगे। माता को यदि प्रसन्न करना हो तो उन्हें श्रृंगार की वस्तु अवश्य भेंट करें, श्रृंगार की वस्तु अवश्य भेंट करें। उसके बाद आप अच्छे से सुगंधित वस्तुएं भी माता रानी को आप भेंट कर सकते हैं। तत्पश्चात इस मंत्र के माध्यम से हम लोग माता का ध्यान करेंगे, उसके बाद हम लोग माता का जो कि मंत्र जाप करेंगे। जो माता का जो कि मंत्र जप होगा वो आपका जप में आप यह मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडे रूपिंद्र संसितः नमस्तस्य 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 नमो नमः। कुष्मांडा देवी के हाथों में कमंडल धनुष बाण कमल कलश चक्र गदा एवं जप माला है। इनके स्वरूप का ध्यान करने के पश्चात आप इनके बीज संपुट मंत्र का कम से कम एक माला जाप अवश्य करें, इससे माँ की कृपा आप पर अवश्य बनी रहेगी। इनका ध्यान जप मंत्र जो है वो है ओम क्रीम कुष्मांडाय क्रीम ओम। मैं इस मंत्र का 11 टाइम्स में चैंटिंग करूँगा, ध्यान से आप लोग सुनेंगे। ओम क्रीम कुष्मांडाय क्रीम ओम, 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 ओम क्रीम कुष्मांडाय क्रीम ओम। धन्यवाद दर्शक मित्रों, आप लोग अपना प्यार इसी तरीके से बनाए रखें। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो को शेयर करना ना भूलें, शेयर करें ताकि आपके भांति और सारे व्यक्तियों को और सारे सदस्यों को कथा के माध्यम से या जप मंत्र ध्यान मंत्र उन्हें भी प्राप्त हो पाए, और वो भी ये पावन नवरात्र का ये पावन पर्व जो है, ये 9 दिनों का जो कि विशेष महत्वपूर्ण पर्व है, इस पर्व को अच्छे से मना पाए और माता की कृपा प्राप्त कर अपने आप को धन्य कर पाए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।